यह जगत क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है ज्ञान मात्र है मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मात्र भगवान आत्मा हूँ त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूं अगणित ज्ञेयो के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं ज्ञान का विस्तार ही मेरा विस्तार है राग और द्वेष के विकारी भावों का विस्तार ज्ञान के विस्तार में कहीं भी नहीं है देह आदि परद्रव्य और राग द्वेष आदि प्रभाव जो ज्ञान के प्रदेश पर है ही नहीं ज्ञान की अनुभूति में परद्रव्य और प्रभाव की अनुभूति कैसे हो सकती है ऐसा अनुभूति मात्र ज्ञान मात्र मैं भगवान आत्मा हूं जैसे इंद्रियों के परमाणु मैं नहीं हूं ऐसे ही इंद्रियों के निमित्त से परज्ञ को जानने वाला ज्ञान भी मैं नहीं हूं जैसे प्रभाव मैं नहीं हूं जैसे विकल्प मैं नहीं हूं ऐसे ही क्षयोपम ज्ञान भी मैं नहीं हूं राग आदि विकल्प अनित्य है क्षयोपम ज्ञान भी अनित्य है चैतन्य सत्ता नित्य है ध्रुव है ये चैतन्य सत्ता में हू रा पर के लक्ष्य से ही उत्पन्न होते हैं इंद्रिय ज्ञान भी पर के लक्ष्य से होता है पर पदार्थों का ही होता है राग आदि विकल्पों में तरंगे हैं, क्षय ज्ञान में भी तरंगे हैं। राग आदि विकल्प से भी चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा जानने में नहीं आता बस ऐसे ही क्षयक्षम ज्ञान से भी चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा जानने में नहीं आता इसलिए जैसे राग और द्वेष के विकल्प में ज्ञानी को एकत्व नहीं है ऐसे ही क्षयोक्षम ज्ञान की तरंगों में भी ज्ञानी को एकत्व नहीं है त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में एकत्व यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जिस सत्ता को इंद्रियों की अपेक्षा नहीं जिस सत्ता को राग आदि विकल्पों की भी अपेक्षा नहीं ऐसा निरपेक्ष चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूं जैसे उड़ते मिट्टी और धूल के परमाणु को अत्यंत दूर से देखता हूं और ये मानता हूं कि उन परमाणुओं के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है ऐसे ही मैं मानता हूँ इंद्रियों के निमित्त से होने वाले क्षयोपम ज्ञान के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है इसलिए क्षयोपम ज्ञान भी ज्ञेय है ज्ञान की सत्ता में नहीं है यह ज्ञान की सत्ता ये सत्ता मात्र ज्ञान मैं हूं पर और पर के बीच जो प्रपंच है उन प्रपंचों में मुझे उलझने से क्या लाभ है किसी दो पराए व्यक्ति के बीच में संघर्ष होता हो मगर मैं उस संघर्ष में कहीं पर भी नहीं मैं अपने को जैसे अत्यंत दूर देखूं कि ये दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हो रहा है ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति है चैतन्य तत्व की जो ध्रुवता है उस ध्रुवता की जागृति न्यारापन निरालेपन की जागृति एक सत्ता की जागृति दो व्यक्तियों के बीच में जो प्रपंच है उन प्रपंचों में मैं उलझता नहीं जो अनजान है दो अनजान व्यक्तियों के बीच में रास्ते पर लड़ाई हो झगड़ा हो मैं बीच में क्यों पडूं? मैं उन दोनों के संघर्ष में बीच में क्यों जाऊं मैं स्वयं को बचाऊ बस इतना पर्याप्त है दो पराये के बीच में जो भी होता है उनमें मैं कहा उनमें मैं कहीं जाता नहीं यह जागृति यह जागृति सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय रहती है फिर देह की कोई भी क्रिया या फिर विकल्प की कोई भी क्रिया ज्ञानी पर के प्रपंच में बीच में स्वयं को उलझाते नहीं है यह जागृति फिर देह की क्रिया हो मगर यह किसी पराए और पराये की क्रिया है मैं वहां नहीं यह जागृति शरीर मलिन हुआ है और स्नान की क्रिया हो रही है एक हाथ से दूसरे हाथ को धोया जा रहा है एक हाथ से दूसरे हाथ पर साबुन घुमाया जाता है मगर यह दो पराए के बीच में होने वाला संघर्ष है एक हाथ के परमाणु दूसरे हाथ के परमाणु 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 के बीच में ये संघर्ष है ये परमाणु और परमाणुओं के बीच में घर्षण है और चैतन्य की ध्रुवता ये ध्रुवता की श्रद्धा के बल पर ज्ञानी देह में कहीं नहीं और सिर्फ स्नान की नहीं देह की प्रत्येक क्रिया में परमाणु परमाणु के बीच में जो होता है घर्षण उसमें मैं नहीं चाहता फिर रोटी को तोड़ने की क्रिया हो तो रोटी के परमाणु और हाथ के परमाणु ये पराए के बीच में होने वाला ये घर्षण है ये पराए का मामला है ये मेरा नहीं फिर वो रोटी को उठा करके मुंह में डालता हो मगर रोटी और ये मुंह के परमाणु ये भी पराए पराए के बीच में होने वाला घर्षण है इसमें मैं कहीं नहीं देह की जैसे प्रत्येक क्रिया में ये पर और पर के बीच में टकराहट और स्वयं की चैतन्य की ध्रुवता को जैसे न्यारी देखता है यह बात अज्ञानी को बुद्धि के स्तर पर समझ में आ सकती है सूक्ष्म रहस्य तो यह है कि दो पराये के बीच में मैं उलझता नहीं हूं दो पराये के बीच में मैं उलझता नहीं हूं आंख खुली है और सामने टेलीविजन है टेलीविजन पर जो दृश्य है वो दृश्य वहां पर पलटते हैं और आंखें भी पलटती है मगर इन दोनों में मैं कहीं पर भी नहीं भीतर मैं रूप कार्य हो रहा हो मगर आंख की क्रिया और वहां पर टेलीविजन पर दृश्य जो पलटते हैं वो पलटते दृश्य की क्रिया, इन दोनों में स्वयं को मिलता हुआ न देखना और ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूं ये जागृति पराए और पराए का कार्य हो रहा है उन दोनों में मैं कहीं पर भी नहीं उन दोनों में मैं कहीं पर भी नहीं और और उन दोनों के बीच में मैं कहीं पर भी नहीं बात बहुत सूक्ष्म है दो पराये के बीच में कार्य हो रहा है यह जागृति ज्ञानी को सदाकाल है आंख का कार्य और टेलीविजन के दृश्य का कार्य ये दोनों में पराया पराया मगर आत्मा में जो राग का विकल्प उत्पन्न होता हो आत्मा में ये विकल्प उत्पन्न होता हो ये विकल्प की उत्पत्ति कोई भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होगा भगवान की भक्ति करने का राग का विकल्प उत्पन्न हुआ देव दर्शन करने का विकल्प उत्पन्न हुआ जिनवाणी मां को पढ़ने का विकल्प उत्पन्न हुआ भावलिंगी मुनि के दर्शन कब होंगे यह विकल्प उत्पन्न हुआ यह सब जो राग के विकल्प उत्पन्न होते हैं और ये उत्पन्न होते विकल्प विकल्प को नहीं पहचानते ये उत्पन्न हुए हैं जो विकल्प ये उत्पन्न हुए हैं जो भाव ये भाव भाव को नहीं पहचानते वो भाव जिस ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं ये ज्ञान का परिणमन एक एक समय की ज्ञान की पर्याय जिस ज्ञान की पर्याय में ये भाव जानने में आते हैं भाव कहा पर्याय कहा ये दोनों के बीच जो कार्य हुआ एक तो राग के विकल्प का उत्पन्न होना कि मैं भगवान के दर्शन करूं ये विकल्प का उत्पन्न होना और भगवान के दर्शन करूँ ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आना विकल्प जो उत्पन्न हुआ है विकल्प जो उत्पन्न हुआ, वह तो मोह के उदय का परिणाम है मगर जानने जानने रूप जो यहाँ कार्य हो रहा है वह तो ज्ञान का परिणमन है जिसे कर्म के उदय के साथ कोई लेना देना नहीं ये ज्ञान का परिणमन है तो भगवान की भक्ति करने का विकल्प उत्पन्न हो यह तो शुभ भाव शुभ विकल्प समझना है सब शुभ अशुभ पुण्य पाप के सब विकल्प भगवान की भक्ति करने का विकल्प हो या फिर माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री के प्रति राग का विकल्प हो भगवान की भक्ति करने जाए तो एक थाली में से दूसरी थाली में वो चावल चढ़ाने का विकल्प हो या फिर थाली में से पेट में रोटी और चावल डालने का विकल्प हो शुभ विकल्प हो या अशुभ विकल्प हो मगर यह जागृति की विकल्प विकल्प को नहीं जानते विकल्प को जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय और ये कार्य प्रति समय होता है विकल्प की उत्पत्ति होती है और विकल्प की उत्पत्ति को जानने वाली ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति होती है। नगर ये दोनों में इतनी दूर वाली दृष्टि कि ये दोनों पराये के बीच का मामला है इसमें त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव ये मैं ध्रुव सत्ता मात्र चैतन्य परमात्मा उन दोनों के पराये के मामले में बीच में नहीं आता विकल्प पराया और जिस ज्ञान की पर्याय ने विकल्प को जाना वो ज्ञान की पर्याय भी परायी। और ध्रुव ज्ञायक देव की दृष्टि ऐसी कि चैतन्य दृष्टि और यह दृष्टि की जागृति सम्यक दृष्टि को निरंतर रहती है विकल्प निरंतर हो विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्यायी भी हो मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता की दृष्टि दृष्टि यही से ही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है इस दशा को देह होने पर देहातीत विकल्प होने पर विकल्पातीत पर्याय होने पर भी पर्यायी दृष्टि जो न रहे ऐसे सम्यक दृष्टि की दशा ये निराली दशा है ये मोक्ष है ये दृष्टि में मोक्ष है ये दृष्टि मुक्त है इतना ही दूर दिखाई दे, कुछ है जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय वह तो ज्ञान की जानने वाली पर्याय है वहां तो आत्मा का अच्छा लगता है कि ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय मगर राग का विकल्प वह तो छोड़ने जैसा ज्ञान की पर्याय छोड़ने जैसी नहीं राग का विकल्प तो छोड़ने जैसा राग का विकल्प छोड़ने जैसा और ज्ञान का जानना 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 यह कार्य होता है मगर वह छोड़ने जैसा हो वह छोड़ने जैसा हो या फिर ज्ञान की पर्याय जो जानने का कार्य करती हो इन दोनों में इतना ही भेद नहीं करता भेद नहीं करता लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड। और राइट हैंड। लेफ्ट में छोड़ने जैसा ऐसा ये राग का विकल्प राइट हैंड ये ज्ञान की पर्याय जब तुम जब तुम दाए हाथ से साबुन घुमाते हो बाए हाथ की और ऐसे जब हाथ हाथ से बाए हाथ को ऐसे धोते हो उस समय तुम्हारी दृष्टि में विकल्प है कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा उस समय ये हाथ से हाथ और उस समय ये दृष्टि ये पर आया दोनों पर आया बस ये कार्य जानने का कार्य अभी रुक नहीं सकता और विकल्प का कार्य भी रुक नहीं सकता सिर्फ ये समझ प्रकट हो सकती है आ कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव ये विकल्प और ज्ञान की पर्याय में कही नहीं ऐसी ये भेद विज्ञान से प्रकट होने वाली दृष्टि ये दृष्टि सम्यक दृष्टि है हा हा ऐसा भगवान आत्मा ऐसा हो सक समान सर्व पुद्गल सर्व परमाणु को जिसने एक समान जान लिया एक समान जान लिया अर्थात पराये की श्रेणी में मान लिया सब पराया ऐसा माना और ध्रुव की जागृति वहां करने जैसा रहा नहीं अब इसे जानना है इसे नहीं जानना ये नहीं रहा वहा सब एक श्रेणी में गए भगवान फिर यहाँ कहाँ आया ऐसा अब तुम्हें कहो कि घर को छोड़ दो जंगल में चले जाओ इतनी रोटी आज खाई तो कल कम रोटी खाना आज तुम परिवारजनों के साथ में रहते हो कल अकेले में रहना धर्म हो जाएगा ये धर्म भगवान ऐसा नहीं धर्म का अर्थ है कि पर की जो क्रिया होती है पर्याय की जो क्रिया होती है ये परद्रव्य की क्रिया हाथ पर हाथ घूमता हो यह परद्रव्य की क्रिया विकल्प उत्पन्न होता हो यह की क्रिया और उन विकल्पों को जानने की भी क्रिया होती हो मगर अंतर में ये जागृति की त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव इन पर पदार्थों में प्रभावों में और पर्याय में कहीं पर भी नहीं ऐसा ध्रुव सत्ता मात्र भगवान आत्मा ये मैं हूँ भगवान ये भगवान आत्मा ऐसे ही स्थिरता स्वरूप में सहज होती है और स्वरूप की स्थिरता नगर जोर ऐसा की त्रिकाली ध्रुव चैतन्य चैतन्य उन्हें इतना दूर देखना ऐसा दूर देखना भगवान ये किसी और पराये पराये के बीच में संघर्ष है ये मेरे अंतर में यहां पर कुछ भी नहीं है तब ऐसा हो ये कोई पराया बोलने वाला भी पराया और सुनने वाला भी पराया ये पराये पराये की ही क्रिया है फिर प्रत्येक क्रिया में ऐसा दिखे हो भेद नहीं ऐसा दर्शन हो फिर देह के परमाणु हो और देह के परमाणु पर वस्त्र के परमाणु हो ये वस्त्र के परमाणु हो मगर देह के परमाणु पर वस्त्र के परमाणु हो ओ हो इतना ऐसा ऐसा है ऐसा मगर उन दोनों में सत्य तो यह है कि मैं चैतन्य परमात्मा मैं चैतन्य परमात्मा ये बाहर 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 ये सब बाहर ऐसा ये सब बाहर ऐसा दिखे सर्दी के दिन हो और कंबल ओढ़ना पड़े न एक कंबल ओढ़ा दूसरा कंबल ओढ़ा एक कंबल के ऊपर दूसरा कंबल ऐसे कंबल कंबल को जैसे देखा कि ये दोनों कंबल है मगर मैं तो भीतर हूं मैं कंबल में नहीं जैसे देखता है कि दोनों कंबल में मैं कहीं पर भी नहीं हूं मैं भीतर हूं ऐसा देखे कि बाहर बाहर ये कंबल और कंबल में ये दोनों के बीच की बात है ये मैं वहां कहीं पर भी नहीं जैसे वो वहां देखता है ऐसे यहां पर वो ऐसे यहाँ पर कि ये देह ये देह ये पहला कंबल है उसके ऊपर के ये वस्त्र ये कंबल के ऊपर कंबल है मगर भीतर में मैं चैतन्य उन दोनों के आपस के मामले में कहीं पर भी नहीं ये देह होने पर देहाती त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व को वहां उसने देखा कि मैं भीतर में हूं और यह कंबल बाहर में यहाँ तो भीतर और बाहर का विकल्प ही नहीं ध्रुव चैतन्य सत्ता के जानने रूप परिणमित ज्ञान का सहज अँगा आ, अँगा। ऐसा सहज परिणमन होता है भगवान ऐसा सहज परिणमन होता है इसलिए उसको तो ऐसे देखता है इसलिए उस पर श्रद्धा नहीं उस पर नित्य 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 मान करके गुलाम नहीं कभी भी किसी भी समय ऐसा हो सकता है भगवान किसी भी समय ऐसा हो सकता है इसलिए श्रद्धा क्यों कागज का पैकेट वो कागज के पैकेट में ऐसा हो कभी भी बचपन में ऐसा होता था हो कभी कभी केल की जरूरत पड़ती खेली हुई ने खेली बाजार में से लावानी है केल की जरूरत पड़ती त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जहां दृष्टि में आई कि वहां हो 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 दुकान पर जाकर के केल खरीद कर लेकर आना है दुकानदार गांव में वो केल खरीद कर जब वहां से लाता तो ऐसे गांव में छोटा गांव छोटे गांव में पैकेट कैसा हो छोटे गांव में बचपन में ऐसे ही केल खरीदने जाता उमराला का ऐसा वह छोटा गांव और वहाँ केल खरीदने जाता कागज के पैकेट में वो केल देते अखबार का पैकेट आता न उसमें वो केल बांध कर देते और कभी तो घर पर आने से पहले ही कील रास्ते में ही गिर जाती पैकेट में से पैकेट कागज का उसमें से कील निकल जाए ऐसा हो ऐसा मगर उस समय कील नीचे गिर गई, कागज बैर बिखेर हो गया कागज बैर बिखेर हो गया ऐसा हो मगर घर पर क्या जवाब दो कि कुछ भी नहीं कि बस ये कागज का पैकेट बैर बिखेर हो गया केल गिर गई मगर मैं यहीं आ गया वापिस अपने घर में ऐसा हो मैं अपने घर में वापिस आ गया ये चमड़ी और कुछ भी नहीं ये कागज का पैकेट जैसा दिखे अंदर हड्डी भी है और मांस भी है इसे कागज के पैकेट से अधिक मत समझना भगवान ये कागज के पैकेट से अधिक मत समझना कि एक समय में ये चमड़ी गिरी और बेर हुआ मगर उससे क्या करना कि मैं अपने घर में आया मैं बच गया मैं टिक गया मेरा ये ध्रुव अस्तित्व ये पराए पराए का मामला है ये कागज और कील का मामला है ये कागज और कील का मामला है इसमें मैं मैं कहीं पर भी नहीं हूं कागज और कील में जैसे देखो और उसमें मैं कहीं पर भी नहीं भगवान ऐसे ही कृपालु देव और कांजी स्वामी उन्हें भी बाहर देखो उस मामले में मैं कहीं पर भी नहीं उस मामले में मैं कहीं पर भी नहीं और ऐसे ही सब जगह फिर वहां तक पहुंचना कि केवल ज्ञान हो या केवल दर्शन हो उस मामले में मैं नहीं केवल ज्ञान और केवल दर्शन के मामले में मैं नहीं मैं तो त्रिकाली ध्रुव सत्ता मात्र ये सत्ता मात्र में आनंद होता है क्योंकि सत्ता मात्र की और लक्ष्य जाते ही वहां परिणमन नहीं वहां पलटना नहीं वहां तो चैतन्य की ध्रुवता है और जहां ये चैतन्य की ध्रुवता दृष्टि में आई कि वहां तो ज्ञान और आनंद ज्ञान और आनंद प्रगट यहाँ व्यक्त प्रकट होने वाला नहीं प्रगट व्यक्त अंतर में अनुभव में आता है भगवान ये व्यक्त त्रिकाल व्यक्त है पर्याय में प्रगट होने वाला व्यक्त ऐसा नहीं पर्याय में प्रकट होने वाला व्यक्त ऐसा नहीं ऐसा प्रति समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि सोच करके नहीं ये जीवन ज्ञानी का ऐसा है सोचना नहीं ये ज्ञानी का जीवन ऐसा है अंतर में चैतन्य की ध्रुवता और वे स्वयं ही देह बैर बिखेर हो मगर स्वयं सुरक्षित अंतर में हो गए घर में आ गए ऐसे घर में आ गए मुनिराज वन विहारी संत हो तुम्हें दुखी दिखते हैं बेचारे दिखते हैं मगर वे तो आनंद के भोग में इतने मस्त है भगवान वे आनंद के भोग में मस्त है वन विहारी संत भावलिंगी मुनि निकट काल में वन विहारी संत होना है विहारी संत होना है मगर ये तो पराये का मामला है ये तो गृहस्थ और मुनि ये दोनों अवस्था ये पराये का मामला है मैं बीच में नहीं जाता उसमें मैं ध्रुव न्याय देव मैं ध्रुव आयक देव गृहस्थ की दशा मुनि की दशा ये पराये का मामला और यहां स्वयं की ध्रुवता जैसी ध्रुवता से तो मुनि सुरक्षित हो गए बाहर में भी बच गए न अरे जंगल में मुनिराज इतने इतने जानवर वाघ है शेर है चित्ता है कुत्ता है ये सब जानवरों के बीच में मुनिराज सुरक्षित अरे मुनिराज सुरक्षित कैसे नहीं रहे अंतर में स्थिर हुए ने, अंतर में स्थिर हुए ने, ऐसा होता है ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि मुनिराज को पहचान ही नहीं पाते वन में बैठे मुनिराज की पहचान नहीं कर पाते जानवर अज्ञानी भी मुनि की पहचान नहीं करते यहां ही जानवर भी नहीं कर पाते जानवर भी मुनि की पहचान नहीं कर पाते अज्ञानी ऐसे देखते हैं कि अरे बेचारे बिना कपड़े के बिना धन के बिना परिवार के ऐसे देखते हैं जानवर की दशा कम से कम इतनी तो बेहतर है वाघ और शेर की दशा इतनी तो बेहतर है, क्योंकि वाघ शेर मुनिराज को ऐसा नहीं देखते वाघ और शेर मुनिराज को देखते हैं जब वे ध्यान में लीन होते हैं मुनिराज अडीग ध्यान में लीन बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं। पास में पत्थर की शिला है और ऐसे बैठे हैं तो वहां ऐसा जानवर ऐसा देखते हैं जैसे पत्थर में से श्रवण गोला का पत्थर है ना तो वहां उसमें से ही बाहुबली मुनिराज की मूर्ति किरण हुई पत्थर में से मूर्ति बनती है पत्थर में से मूर्ति बनती है ऐसे ही मुनिराज की जो ध्यान ध्यान ऐसी मुद्रा होती है कि ध्यानस्थ मुद्रा देख करके जानवर ये देखते हैं कि जैसे पत्थर में से परमात्मा की मूर्ति बनी हो पत्थर को टंकोत कीर्ण करके परमात्मा की प्रतिमा बनी हो और प्रतिमा को खाने कौन जाएगा पत्थर की मूर्ति होगी उसमें से क्या निकलेगा पत्थर की प्रतिमा हिलती डोलती नहीं ऐसी स्थिर ऐसे मुनिराज अंतर में आत्मा के ध्यान में लीन और बाहर में देह की स्थिति को देख करके जानवर पत्थर की प्रतिमा पत्थर में टंकोत किरण करके जानवर भी मुनिराज को परमात्मा की प्रतिमा के रूप में देखते हैं हमसे तो बेहतर हमको तो ऐसा लगता है बेचारे मुनिराज जानवर को बेचारे तो नहीं लगे जानवर को दिखे तो ऐसे दिखे कि परमात्मा की प्रतिमा वो कैसे मारने जाए कैसे खाने जाए भगवान मगर वो बाहर की क्रिया कि जो शरीर हिलता नहीं डोलता नहीं ये बाहर की क्रिया अंतर में तो ध्रुव जो हिलता नहीं डोलता नहीं उस ध्रुव में ध्यान ढला है कि ध्यान 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 निर्विकल्प हुआ निर्विकल्प का आश्रय लेने वाली ध्यान की पर्याय निर्विकल्प हुई ऐसी भाव संत मुनिराज की यह दशा मगर यहां से आत्म जागृति से ही वो यात्रा होती है चौथे गुणस्थान से ही वो मुनि की यात्रा होती है जो भी ज्ञेय जाने उस ज्ञेय में वहां तन्मयिता नहीं है जाने मगर वहां तनमयी नहीं है जानना 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 सहज होता है ज्ञान की पर्याय उस में तनमयी नहीं होती मुनिराज का नियम है भगवान कि मुनिराज का नियम है भावलिंगी मुनि खड़े खड़े आहार लेते हैं बैठते नहीं बैठ जाए कहीं तो फिर चर्चा हो जाए मुनिराज को ऐसी चर्चा हो जाए कि क्या कर रहे हो क्या कामकाज है तुम्हारा नाम क्या तुम्हारा पता क्या ये सब विस्तार विस्तार प्रपंच में पड़ेंगे गृहस्थ के घर पर जाते हैं मुनिराज बैठते भी नहीं है खड़े खड़े आहार लेकर के निकल गए ऐसे भाव मुनि हो ये दुनिया को दिखाई देता है मगर असल में मुनि कौन ये बाहर में तो होता है मगर असल में मुनि कौन जो बैठते नहीं है खड़े खड़े ही आहार लेकर निकल जाते हैं बैठते नहीं है जिन मुनिराज की ज्ञान की पर्याय, परियाये में बैठती नहीं में चिपकती नहीं और खड़े खड़े चुपचाप एक समय के लिए जान करके यात्रा करती है अगले समय जाना यात्रा करती है ऐसे ही ज्ञ में बैठे बिना ज्ञान की पर्याय का जानना 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 हो और ऐसी अलिप्तता की ज्ञेो में तनमयिता नहीं ज्ञेो में चिपकना नहीं ये मुनि की भीतर की दशा है बाहर का दुनिया को दिखता है अंतर की दशा भावलिंगी संत की यह है भगवान हो ओ, 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 ऐसे भावलिंगी मुनि बैठते नहीं है पर्याय में पर्याय में जानने में आए गृहस्थ के घर पर जाने से पहले ही अपने घर में आने की प्रतिज्ञा लेकर के निकले है ऐसा हो ये सब सब भाव ऐसा हो हो भाव लिंगी मुनि की ये दशा होगी ये दशा भगवान मेरी भी होगी और तुम्हारी भी होगी भगवान मगर आज ये समझा होगा तो कभी होगी मुनि का स्वरूप समझा होगा मुनिराज आहार के लिए आए सबसे ऊंचा पुण्य ये कहा कि मुनिराज को आहार दान देना आहार दान देना आहार दान देकर के ऐसे मुनिराज पर ऐसे मुनिराज पर तुमने ऐसे मुनिराज पर तुमने आहार देकर मुनिराज को आत्म साधना में लीन होने में तुमने हो करके होकर मुनिराज का हित नहीं किया स्वयं को मोक्ष के मार्ग में तुमने आगे बढ़ाया ऐसा मुनिराज कहते हो ऐसा मुनिराज स्वयं कहते हैं कि मुनि को आहार देकर तो मुनि का नहीं तुम अपने को मोक्ष के में तुम उतने ऊपर उठते हो तुम तुम मुनिराज के शरीर को बनाए आहार देकर के तुम वहां तक तो गए नहीं जो व्यक्ति मंदिर का निर्माण करता है कारीगर होता है मंदिर का निर्माण करता है तो मंदिर के ऊपर जाता है मंदिर का निर्माण तो होता ही है मगर मंदिर के निर्माण के साथ साथ वह भी उतना ऊपर जाता है मंदिर के जितना ऊपर वह जाता है ऐसा कि मुनिराज को आहार का दान देना दान देना ये दान देना चाहिए वो दान देने जैसा धन होता है तो धन का दान दे देना क्योंकि धन का तीन ही प्रकार से उपयोग होता है तीन तीन दशा धन की तीन दशा तीन गति है धन की एक तो धन का दान हो या फिर भोग हो या फिर नाश हो धन के ये तीन गति है या फिर दान हो या फिर भोग हो या फिर नाश हो दान में दे दिया या फिर खर्च करके भोगों में लगा दिया और पड़ा रखा ना दान दिया ना भोग में सुनामी आया भूकंप आया बेर बिखेर होकर करके नाश हो गए, ऐसा है तो दान दे देना भोगना नहीं दान दे देना दान दे देना भोगना नहीं वरना नाश हो जाएगा ये तो दुनिया की बात भगवान दान मत देना भोगना क्योंकि उसका नाश होता ही नहीं ऐसा ये जो ज्ञान की पर्याय वितरागी देव को दान में मत देना ये ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढले और भोगना 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 आ, 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 आ। क्योंकि एक समय में तो वो नाश होने ही वाली है वो धन तो वो धन तो नाश होगा बिना भोगे बिना दान में दिए यहाँ तो दान में दो तो भी नाश होती है और भोग करो तो भी नाश होती है तो फिर भोग ही क्यों न हो यह चैतन्य का भोग मित्रागी भगवान को दान में नहीं देना पर्याय ये पर्याय ये पर्याय हा जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को अर्पण होती है कैसी हो भावलिंगी मुनिराज की यह दशा भगवान प्रति समय ये जागृति ये जागृति मुनिराज की दशा वन में विचरण करते हैं मगर वन में कहा वे तो जहां जहा देखते हैं वहां स्वयं को जानते हैं जो भी जानते हैं स्वयं को जानते हैं और तुम भी हो भगवान सिर्फ मुनि नहीं तुम्हारी भी यही स्थिति है तुम भी जहां 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 देखते हो स्वयं को जानते हो नया कार्य नहीं होता सम्यक दृष्टि का अर्थ सिर्फ इतना है कि दृष्टि बदल गई पहले पर पदार्थों को भोगता था पर पदार्थों को जानता था ऐसी मान्यता थी वास्तव में तो वो अपने को जानता था पर को जानता नहीं था पर को भोगता है पर को जानता है इनमें से पार होकर के मैं अपने को जानता हूँ अपने को जानता हूँ ज्ञान की अवस्था तैयार हुई ज्ञान की जो तैयार हुई अवस्था एक तो राग का विकल्प हुआ और राग के विकल्प को जानने वाली ज्ञान की अवस्था ये ज्ञान की अवस्था ये अवस्था को जाना अज्ञानी भी जानता है और ज्ञानी भी जानता है इसलिए परमें से अपने में नहीं आना यहाँ ये स्वीकार करना है कि ये ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है ये ज्ञान जानने में आ रहा है ऐसा जब विचार चलता है ज्ञान जानने में आता है ज्ञान जानने में आता है ऐसा तत्व विचार चलता है इस तत्व विचार से फिर वह निर्विकल्प होता है विचार से निर्विकल्प होता है हा हाँ। कृपालु देव ये कहते थे सिर्फ वांचन वाचन ये पढ़ाई पढ़ाई करते शास्त्र को पढ़ते पढ़ते जितना अधिक शास्त्र को पढ़ता है उतना विचार मनन करने का सामर्थ्य उसका कम होता जाता है कृपालु देव ये कहते जितना जितना वो पढ़ता जाता है उतना ही विचार करने का मनन करने का सामर्थ मरता जाता है ऐसा है इसलिए ये कहा कि जितना बाहर में पर में पर में पर में ऐसे ही जो जितना राग में ही राग में ही राग में ही राग का अनुभव करता है राग को जानता हूं राग को जानता हूं राग को जानता हूं ऐसा जीव ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है ऐसे सत्य का स्वीकार करने से वंचित रह जाता है वो तो वहीं पर अटका है इसलिए मुनिराज को भी कोई भी भाव उत्पन्न हो भावों की उत्पत्ति हो ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो मगर ऐसे भावों में भी मैं नहीं मिला एक से लेकर के पंचेंद्रिय पृथ्वी का एक जीव है न पृथ्वी का एक जीव असंख्य जीव है जल का एक जीव असंख्य अग्नि का एक जीव असंख्य वायु का एक जीव असंख्य है और वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति का एक जीव असंख्य है और साधारण वनस्पति ये निगोद निगोद में अनंत जीव है ये पृथ्वी का ही ये पत्थर है न पत्थर में जीव पानी में जीव अग्नि में जीव अग्नि अग्नि स्वयं एक शरीर है उसमें जीव वायु में जीव वायु स्वयं एक शरीर है वायु स्वयं एक शरीर है ये चिड़िया हवा में उड़ती है वो वायु का एक नहीं वायु स्वयं स्वयं एक शरीर है उसमें जीव है वायु ही जिसकी काया अग्नि ही जिसकी काया जल ही जिसकी काया पृथ्वी ही जिसकी काया वनस्पति ही जिसकी काया ऐसा ये वनस्पति का एक तक के ये सब जीव और ये दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंख्य जीव ये एक पंचेंद्रिय जीव इन जीवों के प्रति करुणा का भाव आत्मा में उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता और करुणा का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है ये पराये का मामला है ये मेरा नहीं ध्रुव में वे नहीं ऐसा मुनिराज की दृष्टि ऐसा अब दया नहीं पालन करने को कौन मना करता है कि दया का पालन मत करो यहां तो ये कहा कि दया का पालन ये तेरा काम है ही नहीं दया को पालन करने के विकल्प को जानने का कार्य भी तेरा नहीं क्योंकि तेरा कार्य ही नहीं तू तो कार्य वाला नहीं है तू कार्य वाला नहीं है तेरे में कार्य ही नहीं तो कार्य वाला भी नहीं है और तू किसी का कारण भी नहीं है तो सत्ता मात्र है ऐसा स्वीकार कर ऐसा स्वीकार करने से निराकुलता प्रकट होगी भगवान ऐसे ऐसे जीवों का हो ओ, 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 जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता हो निगोदिया ऐसा हो निगोदिया का जन्म मरण होता हो कैसा जन्म मरण निगोदिया को एक एक अंतर मुहूर्त में जन्म-मरण एक अंतर मुहूर्त में ऐसे जन्म मरण करने वाले अड़तालीस मिनट से कम समय में छियासठ हजार तीन बार मगर उनमें भी जन्म मरण होते हैं वो जन्म मरण में उनको उनके प्रति ऐसा करुणा का भाव आता है वो करुणा का भाव उसमें रुचि नहीं उसमें एकत्व नहीं ये करुणा के भाव में ये एकत्व नहीं ये करुणा का भाव आत्मा में हुआ मगर फिर भी बोलते हैं ये करुणा का भाव आत्मा में हुआ मगर कितना झूठा है ये कैसा झूठा जैसे ये कहा ना वो घी का घड़ा पानी का गिलास ऐसा जैसे बोलते है मगर गिलास पानी का नहीं है कांच का है स्टील का है चांदी का है सोने का है मगर गिलास पानी का नहीं है ये झूठा बोलना ऐसे ही आत्मा आत्मा मुनिराज जो है वो मुनिराज का आत्मा दया का पालन करता है ये बात उतनी झूठी है ये कहने की है ये सत्य नहीं है ऐसा। मुझे आज ये भाव आया मुझे ये भाव आया ये सब झूठी सत्य ये की ध्रुव चैतन्य में भाव नहीं राग और द्वेष के भाव नहीं ऐसा भेद विज्ञान ये पर पर, पर, पर। ये देह की क्रिया ये देह की क्रिया ये पराये की क्रिया ये जितने भी भगवान आत्मा के गुणगान गाए जाते हो भगवान मगर ये गुणगान गाया जाता हो मगर अंतर में श्रद्धा की मेरे गुणगान कैसे गाए जो विरोधी है विरोधी कभी गुणगान गा सकता है हे ज्ञान दीपक तो विचार कर विरोधी कभी गुणगान गा सकता है भगवान चैतन्य परमात्मा ये चैतन्य और देह जो है ये वाणी जो है वो चैतन्य से विपरीत जड़ है ये विरोधी है उसका स्वभाव विरोधी स्वभाव है चैतन्य स्वभाव से विरोधी ये जड़ वाणी और विरोधी कभी गुणगान गा सकता है ये वाणी परमात्मा के गुणगान गा सकती है वाणी में गुणगान गाए ही नहीं जा सकते ज्ञान की जीवंत पर्याय में जीवंत ध्रुव ज्ञायक प्रतिबिंबित तो हो ये गुणगान है ये गुणगान ये अनुभव से गुणगान गाए ये गुणगान ये विनय हुआ ये महिमा भाव आता है अनुभव के पहले नहीं हे ज्ञान दीपक ये असंतोष इसमें वाणी में रस नहीं आ, हा, हा, ये देह के परमाणु ये वाणी के परमाणु भगवान ये वाणी के परमाणु उससे कोई भगवान आत्मा भगवान आत्मा की महिमा गाई जाती संभव ही नहीं ये भगवान आत्मा की महिमा भगवान आत्मा के गुणगान मैं अभी गालू भगवान आत्मा के गुणगान गाऊ सम्यक दृष्टि को जागृति की जो अनुभव का विषय है वो वाणी से गुणगान में कैसे आए ऐसा प्रयास तो करू कोशिश तो करू ये कोशिश ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति मुट्ठी से मुट्ठी से आकाश पर प्रहार करना चाहे कि अभी मैं आकाश पर प्रहार करके आकाश को खत्म कर दू ये वो ही नहीं सकता ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी में पानी ही नहीं है और पानी नहीं है और नदी में मैं तैर जाता हूं बिना पानी की सुखी नदी में वो तैरना चाहे ऐसा ही ये झूठा है जैसे किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी हो और प्यास लगी कि अभी प्यास छिप जाएगी क्या करूं कि रेत बहुत रेत थी रेत को वो मुंह में डालने लगा कि अभी प्यास छिप जाएगी ऐसे प्यास छिपती है जैसे ये बाहर के कार्यों में ऐसे ये संभव ही नहीं है ऐसे भीतर में ये जागृति की वाणी से मेरे गुणगान नहीं गाए जा सकते ये वाणी से गुणगा नहीं गाए जा सकते ये अनुभव का विषय है भगवान हे ज्ञान दीपक ये अनुभव तुझे होगा भगवान अनुभव तुझे होगा अनुभव नहीं तो मुनि होगा मुनि कैसे होगा तू क्या प्रमाण है कि तू मुनि होगा प्रमाण ये है कि तू अनंत काल तक सिद्ध शिला पर विराजमान होगा ना तो अनंत काल तक सिद्धशिला पर विराजमान होगा तो मुनि हुए बिना होगा इसलिए तेरा मोक्ष निश्चित है तो तेरा मुनि होना भी निश्चित है और तेरा सम्यक दर्शन भी निश्चित है क्योंकि ध्रुव अपनी ध्रुवता में निश्चित है आहा, 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 आहा। ये ध्रुव द्रू अपनी ध्रुवता में निश्चित ऐसी ध्रुव की मस्ती हो ध्रुव की ऐसी चैतन्य की मस्ती ये जागृति भगवान अब कोई भी देह की क्रिया के काल में तुझे ये जागृति रहेगी रहेगी और रहेगी ऐसी जागृति तुझे रहेगी भगवान ऐसा हो कोई भी कार्य होने ये बाहर का कार्य है पराए पराए की चर्चा पराए पराए की बात है मैं बीच में नहीं दुनिया में कहीं ऐसे पराए पराए के बीच में तो कहते मुझे बीच में क्यों फसा दिया ऐसे मुझे बीच में क्यों फसाया तुम्हारे बीच में झगड़ा था तुमने मुझे बीच में क्यों फंसाया ऐसा कि यह पुदगल पुदगल की टकराहट पुदगल पुदगल का घर्षण पुदगल पुदगल का मिलना बिछुड़ना और मैं भगवान आत्मा मैं भगवान आत्मा मुझे इसमें बीच में क्यों फसाया कि किसी ने नहीं फसाया तू खुद फसा है और तू फसा ही नहीं है सिर्फ मान्यता में माना कि मैं फसा बाकी तो तू ध्रुव निराला है ऐसा निराला का स्वीकार होना ये देहातीत तो होना है है भगवान अब ये शरीर बिखर जाए तो ये परा ये परा ये का मामला है ऐसी श्रद्धा होगी तुझे ऐसी श्रद्धा होगी 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 जल्दी जल्दी, से, जल्दी। ये सत्संग, सत्संग, सत्संग छूटे भगवान, आ, आ। अरे ये घर की जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा तो क्या होगा दुकान पर नहीं जाऊंगा क्या होगा समाज क्या कहेगा दुनिया क्या कहेगी अभी यहाँ शरीर में से निकला और जहाँ जन्म हुआ कोई पता नहीं कौन सा परिवार कौन सी दुकान कौन सा समाज कौन सी दुनिया कुछ भी नहीं पता भगवान कुछ भी नहीं पता ओह अनित्य क्षणिक का बोध जिसको हुआ हे ज्ञान दीपक सिद्धपुर वासी ज्ञान दीपक ओह ओ. सिद्धपुर हो सिद्ध भगवान शिकायत करते सिद्ध शिला है ना, तो सिद्ध शिला में भी परिवर्तन होता है सिद्ध शिला में भी परमाणुओं में परिवर्तन होता रहता है वही परमाणु नहीं परमाणु में परिवर्तन होता रहता है ये परमाणु का भी पलटना पलटना होता रहता है सिद्ध भगवान को क्या कि यह सिद्ध शिला का मामला है ये मेरा नहीं है ऐसे ही इस देह के परमाणु के परिणाम को देखना भगवान तुम अमर हो गए अब तुम अमृत हो गए ये दृष्टि से अमृत प्रकट होता है ये दृष्टि से अंतर में से अंतर में से अंतर में से, से अमृत प्रकट होता है वो खत्म नहीं होता कुए में से कितना ही पानी लोग लेकर के जाए तो भी तो 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 भी तो भी भी खत्म नहीं होता अंदर से निकलता रहता पानी आता है आता है आता है एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव में ढली कि दूसरी पर्याय प्रकट हुई त्रिकाली में ढली तीसरी पर्याय प्रकट अनंत काल तक ऐसा हो ऐसा सामर्थ हो तू संसारी है ही नहीं भगवान तू संसारी नहीं है तो संसारी नहीं राग द्वेष के भाव जब होने हैं तब तो हो राग द्वेष के भाव जब होने हैं तब तो हो तू तो उसकी चिंता क्यों करता है ऐसा ऐसा हो एसा। एक व्यक्ति को ऐसा कहा कि राग द्वेष के भाव जब होने होंगे तब तो होंगे तो उसकी चिंता क्यों करता है उसने कहा कि चिंता करता हूं यह भी तो होना है तो होता है राग द्वेष के भाव भी होने होंगे तब होंगे ये आप कहते हो तू चिंता मत कर मगर चिंता भी करनी है तो करनी योग्यता है तो होती है हा सत्य है राग द्वेष के भाव भी होने हैं तब होंगे और तू उसकी चिंता मत कर मगर तू चिंता करता है ये भी होनी है इसलिए होती है इसलिए तो गुरु तुझे परमात्मा के रूप में देखते हैं कि राग द्वेष भी होते हैं राग द्वेष की चिंता भी होती है मगर तू उसमें नहीं है यदि तू उसमें होता तो तुझे परमात्मा कैसे देखते तू तो कितना भी राग द्वेष कर और राग द्वेष कर नहीं राग द्वेष स्वरूप अपने को मान तो भी ज्ञानी तुझे परमात्मा देखते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है वो पराये के मामले में जाता नहीं है ये उनके बीच की बात है पराये की बात है परायों के बीच में मैं फंसता नहीं ऐसा है भगवान है आई प्रतिज्ञा तो है न मैं किसी की शादी में नहीं जाता ऐसा ऐसा किसी की शादी में नहीं जाता इतनी बार लोग बुलाते मैं शादी में जाता नहीं और किसी ने आमंत्रण दिया एक जगह तलाक है तलाक में तो आना अरे मैं शादी में नहीं जाता तो तलाक में क्या जाऊंगा ऐसा हो इतनी शादियों में नहीं गया तो एकाद तलाक का आमंत्रण देते हो वहां कैसे जाऊंगा शादी में नहीं जाता वो तलाक में नहीं जाता परा ये प्रपंच में जो नहीं पड़ता ऐसा ये शादी में नहीं जाता ये अनंत परमाणु जो है ना परमाणु परमाणुओं की शादी हुई ये शरीर बना है ना ये परमाणु परमाणुओं की शादी हुई उसमें मैं नहीं जाता जो शादी में नहीं जाता तो मरने के काल में ये बिखरेंगे वो तलाक में क्यों जाएगा भगवान ये ये तो प्रतिज्ञा है अनादि अनंत ध्रुव की प्रतिज्ञा है ये ध्रुव ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं भगवान हे ज्ञान दीपक सिद्धपुर वासी ज्ञान दीपक सिद्ध शिला के प्रपंच में तू मत पढ़ हे चैतन्य परमात्मा ऐसी चैतन्य 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 हा हा यही जिनके अंतर में तत्व विचार की धारा है वो स्वयं अनुभव करता है मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य